नहीं भड़काने के लिए नहीं आया रोकने के लिए आए अरे क्या हो लेकिन हो मेरे उम्मीद है दो अधिकारी है जिनके हाँ। नाम बताता हूँ जिससे आप लोगों को पता रहे रेफेल बॉस्टिक और जॉन विलियम्स इन दोनों ने कहा है कि भाई मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ है ज्यादा से ज्यादा रेट कट आधा परसेंट हो सकता है इस साल मार्केट एक परसेंट लगा के बैठा है हाँ तो उससे मार्केट को थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसा निराशा हुई तो फ्लैट बंद हुआ एस एन पी ब्रेक इवन पे एक दम, ना ना है एकदम न ऊपर न नीचे हालांकि और डाउ दोनों ऊपर हैं तो फ्राइडे को दरअसल यही दो तीन बयान थे इस टाइप के जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा फ्लैट था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है गोल्डमैन सैक्स आए गए बाहर मैदान में और उन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि हमने अपना टारगेट सौ पॉइंट और बढ़ा दिया अब फिफ्टी वन हंड्रेड का उनका एस एन पी का टारगेट हो गया है

तो उसी बा, बयानबाजी के दौरान आप देखेंगे तो थोड़ा सा बॉन्ड बॉन्डील ऊपर थोड़ा सा डॉलर ऊपर कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नेट नेट आप ये समझ लो कि मार्केट में बंसी बरकरार है ख़रीदारी के बाहर है हालांकि ये बात सही कि ओवर बॉड जोन में है एस के ग्यारह के ग्यारह सेक्टर मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और सब में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाइक हो रही है लेकिन थमने के संकेत बिल्कुल दिख नहीं रहे तो कॉशन रहना चाहिए ऐसा नहीं कि विलियम साहब बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं लेकिन कोई डरने घबराने की चिंता बिल्कुल नहीं है अभी भी मार्केट में बहुत रन अप बाकी है यूएस में तो नेट नेट तेजी का माहौल है क्रूड भी कुछ खास नहीं वही सत्तर के आसपास पास ही भैया मतलब इस्तेमाल तो एक वर्ड बायसी तो जितना भी पानी के अंदर गेंद को अगर दबाने की कोशिश करो तो गेंद उतरा उतरा पुड़ुक से उचक के आती है बाजार है मतलब ये दोनों फेड वाले दबाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको मानना है कि पड़ुक हो जाएगा कहीं उनके हाथ से स्लिप हो गई तो हाँ, मुंह पे भी लग सकती बहुत है बहुत जोर से लगेगी ठीक है तो वही ग्लोबली कोई दिक्कत है नहीं इसका मतलब नहीं बढ़िया है यह है ग्लोबल मार्केट से ओवर द वीकेंड के सारे डेवलपमेंट्स हमारे लिए